हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हमें लेडीज थंब वाली सॉक्स बनाएंगे। डिजाइनर जो भी आपके पास बची ऊन है उससे आप इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड, सर्दियों में हमने बहुत सारी स्वेटरें बनाई होती हैं, उससे थोड़ी थोड़ी ऊन बची होती है, उससे ये डिजाइन बना लेते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 46 फंदों से स्टार्ट करा है। यहाँ से ये देखिए, ये 46 फंदे मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं और इसको 6 सिलाइयाँ इसकी बॉर्डर की बना ली है। अब इसके बाद हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, तीन तीन के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, तीन फंदे के हम तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से, एक दो और ये तीन। फिर से आगे वाले तीन फंदों का तीन फंदे बनाएंगे, एक दो अरे तीन। 21 फंदों का हम इसी तरह से बनाएंगे, ये तीन छः और ये नौ। देखिए, और फिर से बनाएंगे हम, सात बार ये डिज़ाइन बनेगा, एक दो अरे तीन। इसके बाद चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो ये चार फंदे बनाने से पहले फ्रेंड हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, हर सीधी सिलाई पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, अब चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, तीन और एक चार। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इसी तरह से बनाएंगे, और सात बार फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई दिखाऊंगी। शुरू में भी हमने ये देखिए यहाँ पे दो फंदे के तीन बनाए थे, अब लास्ट में भी हम दो फंदे के तीन बनाएंगे। ये देखिए, एक दो अरे तीन, लास्ट वाला फंदा वैसे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। दो तीन चार, ये देखिए इस तरह से बनाते जाना है इनको। फिर सीधी सिलाई पे फिर हमने फंदे बढ़ाने हैं दो। तो ये मैं उल्टी सिलाई पूरी बना लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, दो सिलाइयाँ लगा ली। अब तीसरी सिलाई पे हम ये सिलाई भी पूरी सीधी बनाएंगे, सिर्फ एक पहली सिलाई पे इसका डिज़ाइन बनेगा, बाकी तीन सिलाइयाँ इसकी उल्टी सीधी ही बनेंगी। और सीधी सिलाई पे फ्रेंड ध्यान रखना है, दो फंदे उन चार फंदों के साथ में एक इधर दोनों साइड हमने बढ़ाना है, एक इधर और एक इधर। ये देखिए, चार फंदे आ गए वो सीधे वाले, तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है और चार फंदे फिर हम सीधे बनाएंगे, दो तीन चार, और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी सभी फंदों को सीधा बना देंगे। इसके बाद अगली सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाइयों में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधी साइड पे बढ़ाना है। उसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, एक बार मैं वो भी आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने धागा लगाना है दूसरा। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा कलर लगाएंगे हम। तो पहला फंदा इसी कलर से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब जो तीन फंदे हमने, उन्हीं तीन फंदों पे हमने ये डिजाइन बनाना है, फिर से तीन फंदों के तीन फंदे, ये देखिए इस तरह से, एक दो और ये तीन। अब हर बार ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ पे छेद बना हुआ आएगा, अब बस इन्हीं तीन फंदों को हमने इस तरह से बना देना है, एक
दो और तीन, फिर से ये आगे तक बना लेती हूँ मैं, जहाँ तक हमने वो चार फंदे हमारे प्लेन वाले वहाँ तक बना लेती हूँ मैं ये, फिर आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, पहले हमारे सात डिजाइन बने थे, अब आठ बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन हमारे जो पहले बनाए हैं, सात तो ही बना दिए हमने। अब देखिए, एक दो तीन चार फंदे हमारे वो प्लेन वाले हैं, और दो फंदे यहाँ पे जब हम कलर लगाएंगे फ्रेंड, दूसरा कलर, तो उस टाइम हमारे ये दो ही फंदे आएंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाना है, तो इन दो के हम तीन फंदे बना देंगे यहाँ पे। हर बार जब हम कलर लगाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे तीन हो गए, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक दो तीन और ये चार। ये देखिए, आठ डिजाइन बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आठ ही हम इस साइड बनाएंगे। अब फिर से इन दो फंदों का तीन फंदे बना देंगे। अब इस तरह से जो जो हमारे इस तरह से डिजाइन है, सभी को हम बनाते जाएंगे, और हर सीधी साइड पे दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे चार फंदों के साथ में। देखिए, इस तरह से बनाते जाएंगे। बस एक ही सिलाई पे डिजाइन बनेगा, बाकी तीन सिलाई हमारी एक सीधी उल्टी बनेंगी। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सात बार मैंने बनाया है, और दो दो बार मैंने एक ही कलर लगाया हुआ है, और उसके बाद अंगूठे बनाए हैं। तो आप इतना बना लीजिए, फिर आगे मैं अंगूठे बनाना बताऊंगी। ये देखिए, बीच में चार फंदे हमारे प्लेन ही चलेंगे, तो ये मैं बना लेती हूँ। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, और फिर पहला कलर जो बॉर्डर पे लगा रखा है वही लगाऊंगी। फिर मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। फ्रेंड देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया। ये जो चार फंदे हमारे हैं, ये हमारे 39 फंदे इधर हैं, और 39 ही इस साइड हैं। तो दो फंदे हम इस साइड करेंगे इसके, और दो इस साइड करेंगे। ये जो बीच में चार फंदे हमारे हैं, तो इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, सात सिलाइयाँ मैंने ये उल्टी उल्टी धारियां बना के रखी है, मतलब 14 सिलाइयाँ। तो इसके बाद फ्रेंड हम फिर ए वाले बनाएंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे बड़ा साइज बनाना है, तो इसके बाद एक दो डिजाइन और बना लीजिए। अगर इससे छोटा बनाना है तो एक डिजाइन कम कर लीजिए। और इसके बाद अब हम यहाँ से फिर हमने 10 फंदे यहाँ बंद कर दिए हैं, बाकी इसी सिलाई पे रखे हैं। तो ये मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं, क्योंकि ये धागा मेरा थोड़ा मोटा है, तो इसलिए मैंने सात ही धारियाँ बनाई हैं, नहीं तो 8 या 10 बनाते हैं। अब देखिए, इस साइड भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, सात धारियां। दोनों साइड से मैं इसको इसी तरह से सीधा सीधा बनाऊंगी, और इसके बाद फिर हम फ्रेंड इसको सिलेंगे। तो जब तक मैं सात धारियां बना लेती हूँ, आगे से इस वाली साइड से हमने ये 10 फंदे भी बंद करने हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ इस तरह से। देखिए, आधा आधा करना है हमने, जितने फंदे हमने हमारे हैं उतने ही। चाहे आपके पास 40 40 फंदे हैं, तो 40 40 आधे इधर करेंगे, आधे इधर, इसी तरह से बनेगा। फिर आगे अब सिलेंगे हम इसको। ये मैं बना लेती हूँ फिर। अब देखिए फ्रेंड, ये भी मैंने बना लिया है, सात धारियां बना ली इसकी। अब इसके भी मैं 10 फंदे यहाँ से कम करूँगी। तो देखिए, इस तरह से बंद करेंगे हम। एक फंदा बनाया, दूसरा इसके ऊपर से उतार दिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अरे 10। देखिए, अब सीधी साइड हम अंदर की साइड करेंगे, और उल्टी बाहर की साइड, और इस तरह से इन फंदों को बंद करेंगे। अब देखिए, 10 10 फंदे बंद कर लिए। अब एक फंदा इसका बनाएंगे, एक इसका,
इस तरह से देखिए, एक एक इसका, एक इसका, दो, और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से मैं लास्ट तक बंद कर दूंगी ये, फिर आगे मैं सिलना बताऊंगी आपको किस तरह से हमने इसको सिलना। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने बंद कर लिया है यहाँ नीचे से। अब इस तरह से पकड़ेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे इसको। देखिए अब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, एक फंदा इधर का और एक इधर का। और सभी फंदों को इस तरह से नीचे तक सिल देंगे हम। देखिए एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक ये मैं सिल लेती हूँ यहाँ से नीचे तक, फिर आगे दिखाती हूँ अंगूठे किस तरह से सिलने हमने। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला पार्ट भी मैंने सिल लिया है। अब देखिए इस तरह से नीचे वाला पार्ट पकड़ेंगे और एक फंदा इधर से एक इधर से लेते हुए। यहाँ से, एक यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड यहाँ तक सिल लिया हमने। अब यहाँ पे अच्छे से टाइट सी गांठ लगा देंगे इस तरह से डबल करके, और इसके बाद धागा कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए इसको सीधा करेंगे हम। देखिए फ्रेंड इस तरह से बन के आइए फ्रेंड। ये देखिए इस वाली सॉक्स का फाइनल लुक है, देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन के आया है। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।